नामांकन रैली के विराट सभा में डूंगरपुर के 84 विधानसभा के माननीय हमारे प्रत्याशी सुशील कटारा जी, हमारे डूंगरपुर के सांसद आदरणीय कनकमल कटारा जी, सरकारी गाड़ी आई है, किराया कितना है, हरियाणा से आए हुए पूर्व मंत्री कृष्णा वेदी जी सहित इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सभी दूर दराज इलाके से, गांवों से आए हुए भाइयों एवं बहनों, मुझे यहां आप सबको देख करके यह आश्वस्त हो रहा हूं कि 84 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं आज आपके बीच में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आया हूं। मानगढ़ माओजी महाराज, गोविंद गुरु, भील केसरीनाथ, देव सोमनाथ, श्रीनाथ जी, बेणेश्वर धाम, इन सारे ऐसे हमारे आदिकाल के महापुरुष देवी देवता की धरती को भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आए हुए इस देश का एक आपका भाई, जनजाति भाई, आदिवासी भाई नमन करता है। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की, मानगढ़ धाम की जय, सीताराम की जय, माऊजी महाराज की जय, गोविंद गुरु की जय, भील केसरीनाथ जी की जय, देव सोमनाथ जी की जय, श्रीनाथ जी की जय, बेणेश्वर धाम की जय, पुंजा भील की, टाटिया भील की, ऐसे अनगिनत वीरों की धरती पर आप जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके बीच में चुनावी सभा में निवेदन करने का मौका मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूं। मित्रों, आज मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, राजस्थान पीछे ना छूटे इसकी चिंता राजस्थान की जनता को करना है। पिछले 5 सालों में जो दुर्गति इस राज्य की हुई है उससे निकल करके नए भारत के रूप में गढ़ने के लिए राजस्थान की भूमिका सुनिश्चित करनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर। आप जानते हैं जहां भारत सरकार लगातार काम कर रही है देश के विभिन्न हिस्सों में, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के, हमारे मंत्रालय के तरफ से बने 6 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया।
हर ब्लॉक लेवल में आवासीय विद्यालय बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है और देश में हम 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, ताकि हमारे भाइयों एवं बहनों को अच्छी शिक्षा मिले, देश के आदिवासी पीछे न रहे। इतिहास बताता है कि लड़ाई में आदिवासी समाज का योगदान, आदिवासी समाज का इतिहास, जिन महापुरुषों का नाम हमने लिया उन्होंने इतिहास बनाया। आज देश के आदिवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात के लिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदिवासी भावना और आदिवासियों का सम्मान का चिंता करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासियों के लिए यह कहा कि यह स्वाभिमान दिवस है। ऐसे हजारों योद्धाओं ने अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए आहुति दी है। अग्रिम पंक्ति में महाराज गोविंद गुरु जैसे यहां के माटी से निकलकर दीप जलाते हुए रोशनी घर घर तक पहुंचे, शिक्षा का आलोक जगाया। अंग्रेजों ने किस तरीके से उनके साथ क्रूरता किया ये सब लोग जानते हैं। इस तरीके से मुगलों के शासनकाल का विरोध करते हुए हल्दी घाटी की लड़ाई में पुंजा भील ने क्या इतिहास बनाया ये किसी से छुपा हुआ है। जिस वंशवाद ने आजादी के 75 सालों तक आदिवासी समाज को उभरने का मौका नहीं दिया, आज यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बताए कि पूरे देश के आदिवासी का सम्मान का आपने चिंता किया, आपका सम्मान की चिंता आदिवासी करेगा। मित्रों, समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, पर आपसे निवेदन करते हुए यही कहूंगा, क्या ये हम सब मिलकर के संकल्प को पूरा करें कि अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार